सूर्य के कुंभ राशि में जाने पर कुंभ संक्रांति होगी। इस बार 13 फरवरी 2024 मंगलवार को कुंभ संक्रांति होगी। शनि की राशि कुंभ में सूर्यदेव दोपहर 3:31 पर प्रवेश करेंगे। कुंभ संक्रांति का पुण्य काल सुबह 9:50 से दोपहर 3:54 तक रहेगा। महापुण्य काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:54 तक रहेगा। तो वही कुंभ संक्रांति के क्या महत्व हैं और क्या करते हैं इस दिन को, तो आइए जानते हैं कुंभ संक्रांति का महत्व। मकर, मेष, मिथुन, धनु और कर्क संक्रांतियों का ही ज्यादा महत्व माना गया है, परंतु कुंभ संक्रांति का भी खास महत्व है, क्योंकि कुंभ संक्रांति में ही विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का संगम पर आयोजन होता है। इस दिन स्नान, दान और यम एवं सूर्य पूजा का खासा महत्व होता है। कुंभ संक्रांति पर क्या करें? इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्यदेव की उपासना, उन्हें अर्घ देना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। इस शुभ दिन सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करने पर उस घर परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत या रोग नहीं आता है। साथ ही साथ भगवान आदित्य के आशीर्वाद से जीवन के अनेक दोष भी दूर हो जाते हैं। इससे प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इस दिन खाद्य वस्तुएं, वस्त्रों और गरीबों को दान देने से 2 गुना पुण्य मिलता है। इस दिन दान करने से अंतकाल में उत्तम धाम की प्राप्ति होती है। इस उपाय से जीवन के अनेक दोष भी समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि इस दिन सुख समृद्धि पाने के लिए माँ गंगा का ध्यान करना चाहिए। अगर आप कुंभ संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप यमुना, गोदावरी या अन्य किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर इस शुभ दिन पर सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो मनुष्य को अपने दुखों से छुटकारा शीघ्र ही मिल जाता है। वीडियो डेस्क, जीवांजलि.com।